हाँ भैया, क्या बारिश यहाँ होगी। छोला ऐसा लग रहा है जन्मादिक समोसा खा रहा है। आगे तगड़ा पानी 460 किलोमीटर। आंटी हट जा। जय बाबा की सभी को। कानपुर से बाबा बैद्यनाथ की यात्रा, काशी विश्वनाथ तो उनके भी दर्शन करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। सावन के समय जो है दर्शन वगैरह, रात को जो है हम लोग पूरे दिन गाड़ी चला करके आए तो सीधे रूम ले लिया था। इस तरीके का रात को जो है रूम ले लिया था हम लोग ने, 700 रुपये का ये रूम मिला था और आराम से जो है इस रूम में जो है सो गए थे हम लोग। सामान वगैरह सब यहाँ पे रखा है और अब जो है निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं और अब हम लोग निकल के जाएंगे बाबा बैद्यनाथ। और बाबा बैद्यनाथ यहाँ से है 500 किलोमीटर पूरा जो है, आप लोग देखिएगा 500 किलोमीटर राइड करेंगे हम। दूसरी ज्योतिर्लिंग है बाइक से, चलो चलते हैं। जो है रेडी हो चुके हैं हम लोग, आउटफिट कुछ इस तरीके का, भाई चप्पल भी रख ली। भाई रचित भाई के दोनों बैग जो है कारगर साबित हो जाते हैं राइड पे। कल थोड़ी सी यहाँ पे इनके मालिक से जो है झपड़ ये हो गई थी। हम लोग रात को दर्शन वगैरह करके आए और हम लोग थक गए थे तो हमने कहा चलो बाइक निकाल लेते हैं, तो बाइक नहीं निकालने दी। हाँ ये कहने लगे यार यहाँ पे जो है गेट बंद हो जाता है वो, लेकिन हम लोगों ने अपना दिमाग का उपयोग किया। हमने कहा चलो छोड़ो यात्रा पे निकले, किसको किसको गरियाते फिरेंगे। कानपुरिया जो है अंदाज दिखाते ना तो भी सब सही हो जाते। आप ही थे जो हम लोग को दिलाया था? ये नहीं थे, तो थे जो जाने नहीं दिन रहे। ये वो ही थे? अच्छा चाबी, अच्छा चाबी ला दो जरा इनकी। वो लोग में जो है बैग एक बांधना बहुत सही हो जाता है। नहीं 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 अभी नहीं, अब सही है। जय भोलेनाथ। इधर वही डालो वैद्यनाथ धाम। यहाँ से पड़ेगा 460 किलोमीटर। आंटी हट जाओ जरा। ये वाले गेट से जो है ले जा रहा है श्री गुरु गोविंद दास गेट जो है। ये भी जो है इत्तेफाक की बात है, जो है मामा के साथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके जो है जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ, और हम काशी विश्वनाथ जी के जो है दर्शन कर चुके थे। और मेरे टोटल अगर देखे जाएं तो एक बार मम्मी के साथ आए हैं, एक बार अकेले आए हैं, एक बार मामा के साथ आए हैं। तो विश्वनाथ जी के जो है कृपा है हमारे ऊपर, जो है 3 बार उन्होंने हमको बुलाया है, बहुत बड़ी अच्छी कृपा है भोले बाबा। लोग को ब्रिज दिखा रहे हैं वो देखना आप लोग। नहीं भैया, राम सेतु जब होगा ना तब हम लोग कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे, रामेश्वरम चलेंगे, तब जो है राम सेतु भी जाएंगे। भाई ऑसम लग रहा है। और यहाँ से पूरा बैद्यनाथ है 155 किलोमीटर है। क्या कह रहे हो? गंगा जी में पानी बहुत छोड़ा गया है ना, पानी हर जगह छोड़ा गया, हर तरफ पानी। और भैया जो है हेल्थ कॉन्शियस रनिंग कर रहे हैं, वो भी मेन हाईवे में, ये सही है। देखते हैं बाबा बैद्यनाथ कितना समय लगता है पहुंचने में। 455 किलोमीटर आसान तो नहीं है चलान, भोले बाबा जो है शक्ति देंगे, जब वो बुलाते हैं ना तो जो है शक्ति भी देते हैं। चलो भाई जय जवान जय किसान। इधर से हम लोग को मुड़ना है लेफ्ट। केला ले लें क्या? चलो आगे लेंगे। 6:37 पे जो है हम लोग हाईवे पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ रहे हैं। मिर्जापुर भाई, मिर्जापुर के लिए क्या? हाँ भाई मिर्जापुर लिखा था। तो अब यहाँ से हम लोग को ऐसे मुड़ना है, गया होते हुए हम लोग जाएंगे, गया होते हुए चलोगे पटना। जहाँ से ले जा रहा वहीं से चलोगे, जहाँ से ले जा रहा है। लेकिन एक बार चढ़ जाएंगे तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, खाना कुछ खा लो। चलो चढ़ गए हम लोग हाईवे पे। खाने पीने का सीन अभी जो है रखा नहीं हम लोग ने, अभी ये है कि हम लोग 100 किलोमीटर खींच दें ना 10 बजे तक। मामा कह रहे हैं चीज़ों से मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। एकदम से जो है SD कार्ड एरर कर गया तो दिमाग की बत्ती चली गई मेरी। वह बाबा सूर्यदेव, जय बाबा सूर्यदेव। हो गया, आ गए हम लोग हाईवे पे।
हवा ने इतनी लाज रख ली हम लोगों की, जो है बारिश जो है नहीं कराई। आज लगता है कि बारिश का मौसम बन रहा है, क्योंकि बादल जो है उधर ही की ओर जा रहे हैं। सूर्य भगवान जी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बादल जो है उनको जो है बार बार छुपा दे रहे हैं। कौन कौन भाई जो है हाईवे में माइलेज निकाल लेता है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। कल रात को जो है 12 बजे जो है सोए थे और सुबह उठ गए थे हम 5:16 पे। उठना बहुत ज़रूरी था, अगर उठ नहीं पाते 6:30 जो है नहीं निकल पाते हम। जो अभी यहाँ पे रुके हुए थे, बैटरी लगानी थी चार्ज पे, जो कि मैं बैटरी ऐसे रख लूँगा यहाँ पे, और फ़ोन लगाना था चार्ज पे, तो दोनों जो है चार्ज हो रहा है। अब जो है चल रेडी ऑन बाइक में आज तक जो है हमको कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ एक ही जो है दिक्कत आई है, वो है 5वें गियर की। जिस चीज़ का डर था वो चीज़ होने लगी है। बारिश होने लगी है थोड़ी थोड़ी फुहारे टाइप की यहाँ पे। थोड़ा सा हमने भगाना चालू कर दिया है, शायद जो है आगे हम लोग को बारिश ना मिले। यहाँ तो जो है बारिश मिल रही है। फिलहाल ये वाला आइडिया जो है काम कर गया। आगे यहाँ पे जो है बारिश नहीं मिल रही है, यहाँ पे जो है सूर्य भगवान जी हल्का हल्का दिख भी रहे हैं कि हाँ जो है निकलेंगे। जियो से जीने के लिए फिर से डलवाना पड़ेगा, क्योंकि डलवा के फुल करा लें ज़्यादा सही। तो नहीं बस ऐसे ही जो है लटका दो, सब इधर उधर कर दो, सही कर लेंगे बाद में। 550 कर दो, फ्यूल अप हो गया। हाईवे में हमने जितनी भी बाइक देखी हो, जो भी देखा, यूथ भी देखो आजकल जो है विदाउट हेलमेट जो है चल रहे हैं, ये जो है बहुत गलत। स्टार्टिंग से देखते आ रहा हूँ वहाँ, जब से जो है राइड कर रहे हैं कोई जो है हेलमेट लगाता हुआ नहीं मिला, और तीन तीन लोग जो है बैठाल के जा रहे हैं। इट्स रॉन्ग यार। और मतलब आँखों को इतना प्रेशर दे रहे हैं कि एक समय बाद आँख भी कहेगी कि जो है भैया हम निकल रहे हैं, तुम रहो। नेक्स्ट व्लॉग में जो है हम लोग ने इतना डाइवर्ट रूम पे चले हैं, इतना डाइवर्ट रूट पे चले हैं, और यहाँ पे डाइवर्जन मिल गया तो अभी जो है इधर चलना पड़ेगा अपन को। डाइवर्जन जो है बहुत छोटा मिला ये वाला। फिलहाल तो भाई ज़्यादा बड़ा डाइवर्जन देखने को नहीं मिला, लेकिन ये ट्रक बहुत मस्त देखने को मिला भाई, इतना बड़ा ट्रक यार। ये भाई ट्रक है कि क्या है, ये पूरा जो है ट्रेन चला रहा है छोटा सा इंजन लेके। कितने टायर हैं कमेंट करके बताइएगा। ये देखो गिनो आप लोग, पीछे चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी उड़ा रहा है, कंकड़ उड़ा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो ये है हमारी कानपुर से बाबा बैद्यनाथ धाम का 6वां टोल। काफ़ी देर से जो है बाइक चला रहे थे, तो अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे हम लोग। हमने बोले बाबा यहाँ पे खड़े हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे देखो भाई ये खा रहे हैं भटूरा मस्त। भूख बहुत तेज लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अभी खा के फिर जो है राइड स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 8:23, और यहाँ पे जो है पेट पूजा हो चुकी है। 75 का बिल बना, मामा ने पेट किया, इन्वेस्टर हमारे जो है मामा हैं। पहला होल्ड ले लिया है और छोले भटूरे जो है खा लिए हैं, हमने 3 खाए, मामा ने 2 खाए हैं, और अब हो सकता है कि हम लोग नॉन स्टॉप करने की कोशिश करें। लंबा डिस्टेंस है अभी, 390 किलोमीटर हम लोगों को जाना है। आइए शॉट चेक करो, यहाँ हम वहाँ जो है ट्रेन जा रही है पीछे की ओर। ये है भाई दूसरा पुल, वो दिखाया था, ये देखो भाई ये दूसरा। आप लोगों को भी जो है कितने डाइवर्जन दिखाए जाए, हमें लगता है NH-19 का जो है बिल पास हुआ है, ये जो है अच्छे से रोड फिर से बनाओ। यहाँ पे क्या हो गया भाई, निकल जाने तो बढ़ा लो। बादलों में लदा हुआ है भीषण पानी, वो देखो कितना बादल है भाई। तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत पानी मिल गया, फिर हमने कहा था ना आप लोग से पानी जो है मिलेगा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, जो है जैसे डोसा बनता है ना तवा पे, वैसे ही जो है पानी मिलेगा। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो देखते हैं कहीं रुकने का व्यवस्था बनाएंगे। आने वाला है 7वां टोल, चुपचाप किनारे से जो है निकल जाओ। इधर जो है मौसम खुल गया है, बादल जो है हमारे सिर के ऊपर ही थे तो जस्ट ऊपर हैं, लेकिन आगे जो है बादल नहीं है। 20-25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, फिर जो है कहीं रुकने का प्रबंध करेंगे। इतनी देर बाद जो है हमको पहाड़ वगैरह दिख रहा है, पहाड़ कटा हुआ है।
अभी थोड़ी देर का हॉल्ट ले लिया यहाँ पे, टायर से जो है ईंटें वगैरह निकाल सकते हैं हम। ये देखो भाई, ये सब चीज़ें ना निकालते चला करो, जब भी राइड भी चला करो ना आप लोग भी। पेचकस इसी वजह से हम रख लेते हैं यहाँ पे, जो है कोई तो दिक्कत तो आई नहीं। और देखे रहा करो ट्यूबलेस है अगर टायर तो कील देखे रहा करो कि कौन सी। देखो मेरे में जो है दो पंचर हुए थे, वो तो सिटी में ही हुए थे। तो अभी मामा तो यहाँ जो है मस्त लेट गए हैं, टेंशन फ्री हो गए। हाँ भैया क्या हुआ? हाँ भैया, तकलीफ कोई दर्द? शरीर हो रहा दर्द। हाँ बाइक में दिक्कत होती है। जो है धूप निकल आई और टाइम हो गया है 10:01। अब जो है निकलने का प्रबंध करते हैं भाई हम लोग। इस बात को जो है एग्री करते हैं आप लोग कि कोई भी विंटर हो, कोई भी सीजन हो, वो जो है चैलेंजिंग रहता है। चाहे वो विंटर्स हो, चाहे वो समर्स हो, चाहे वो जो है बरसात का मौसम हो, हर मौसम जो है चैलेंज है। लेकिन बस आपको जो है डिसाइड करना है कि आपको जो है करना है कि नहीं करना है। महादेव का नाम लो और हनुमान जी का नाम लो, कर लोगे। यहाँ से अभी 325 किलोमीटर है और अभी जो है ओम चम 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 चप्पल चलनता ओम हनु 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 हनुमनता। फिलहाल अभी जिस पुल में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा पुल है भाई, आज तक जो है इतना बड़ा पुल ही नहीं देखा। देखते हैं ये कितने किलोमीटर का जो है पुल होता है। अब ख़त्म हुआ है ये पुल, अप्रॉक्स था ये कम से कम 4.5 किलोमीटर का पुल भाई, इतना बड़ा पुल था। छोटे पे तो सिर्फ नाम ही सुना करते थे भाई, झारखंड 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 सिटी का। और आज जो है देख भी लेंगे, आज जा रहे हैं झारखंड। यूट्यूब से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है मेरी लाइफ में। हम जो है काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइफ में, कुछ मिले या ना मिले, एक्सप्लोर हर इंसान को करना चाहिए, घूमना चाहिए और देखना चाहिए क्या है दुनिया। कमेंट करके एक चीज़ आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों को जो वीडियोस है वो कैसी लगती हैं हमारी। यहाँ पर बारिश चालू हो गई है भैया, लगी पड़ी है दुनिया रोड बनाने में, लगी पड़ी है सरकार रोड बनाने में। इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई। राइड चाहे जो भी हो भाई, टफ तो होती है बहुत ज़्यादा। जो है गाड़ी नहीं चलाई जा रही बिल्कुल भी, और मौसम बार बार चेंज हो रहा है, इसकी वजह से और दिक्कत हो रही है। डाइवर्जन आ रहा है तो स्पीड नहीं बन पा रही है। अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक चुके हैं और स्प्राइट पीने का मन कर रहा है। स्प्राइट जो है हम लोग ने कल रात को ख़रीदी थी, वही स्प्राइट रखी हुई है पानी की तरह, जो है हो गया होगा मामला। तो अभी पीते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलते हैं। अभी यहाँ से 286 किलोमीटर जाना है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। बैठ सकते हो यहाँ पे? हाँ भैया ये सही है, मामा का असली रूप निकल के आता है जब राइड पे निकलो तो। सबसे बड़ी चीज ये है ना, पहले हम चलाते थे, हम भी कभी राइडर ही थे। हाँ? आदत है चलाने वाली। क्या कह रहा हूँ? आदत है चलाने वाली। बैठने वाली है नहीं। वही बात, बैठना पड़ता है तो बैठ नहीं पाते ज्यादा देर। सही पॉइंट थोड़े अबे रुके भाई, कहाँ हम लोग भाई, और कहीं मिल भी तो नहीं रहा था। बताओ आगे कहीं और चलते मिलता तो। चलो आगे देखें हम। फिलहाल तो जो है बाइक अब मामा चलाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है अभी, काफ़ी दूर तक खींच लाया मैं। बनारस से परमानेंट चला रहा था, अब जो है बैठूँगा थोड़ी देर ऐसे करके। ये देखो भैया, ये कितने किलोमीटर का माइलेज देती होगी। पीछे से जो है एंगल देखो, रोड कितनी तेज भाग रही है, वो छकपक 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 छकपक। ये जो है टोल आ गया है, ये टोल कौन सा है? आठवां टोल भाई ये है। रोक लो कुछ खा लेते हैं। आंटी क्या है खाने में? आधा लीटर स्प्राइट दे दी है, ये थम्सअप लोगे? ये माजा माजा लाओ, ये दे दो, ये वाला दूसरा दे देना, हवा निकली इसकी। ₹15 एक्स्ट्रा तो काम यहाँ पे चल रहा है। अभी काफ़ी दूर है, रोड की पूरी बैंड बजी पड़ी है दोनों तरफ से। 205 किलोमीटर है, ट्रक खड़ा था हम बोल रहे हो, देख
वो कहाँ घुस गया भाई इसमें। तो चार्जिंग का सिस्टम जो है हमारे पास भोले बाबा बनाए हुए हैं। देखो भाई चार्ज हो रहा है फ़ोन, तो फोन उससे चलेंगे, अब एक उतारो उससे चलेंगे भाई। आज रात यहाँ पे सो गए क्या? हम बोतली कैसे कर रहे हैं यार, ऐसी आदत है लग रहा 30 लगा ही नहीं था चार्ज का होगी लगा ही नहीं था यार। आ चुका है हमारा नोवा टोल और यहाँ से 190 किलोमीटर है बैजनाथ धाम। देख सकते हो पूरा जो है, ये राइडिंग स्किल देखो भाई की, इस राइडिंग स्किल से जो है मैं फिदा हो गया। विदाउट हेलमेट, नो डर, नो कुछ, मामा कहीं ना है, तुम तो लगाए हो, तुम लगाए हो तो हम लगाएं। तो फिलहाल हम लोग ने कोलकाता वाला जो हाईवे था छोड़ करके टर्न ले लिया है पटना होते, ये देखो भाई पटना, इधर इधर जाना है पटना, लेकिन अपन को जो है गया होते हुए चलना है इधर से। बहुत हाईवे, बहुत कुछ है देखने को। रांची उधर पड़ रहा है, रांची उधर पड़ रहा है। तो जब से मामा चला रहे हैं तो बैद्यनाथ धाम जो है वो आप लोग को बता देते हैं, 157 किलोमीटर बचा हुआ है, तो 7 किलोमीटर और खींचते हैं, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर 150 किलोमीटर हम चलाएंगे। यहाँ पे देखो बस, यहाँ पे देखो हमारे भोले बाबा हैं, शिवलिंग जय बाबा की, नागेश्वर शिवा धाम। हम लोग यहाँ पर लोकेशन मिली बैठने, कम से कम जो है मामा ने 100 किलोमीटर गाड़ी चला दी एक बार में। और अब यहाँ से बचा हुआ है आपका बैद्यनाथ 150 किलोमीटर बैद्यनाथ बचा हुआ है। तो आ गए हैं भाई, अब जो है देखते हैं हम ही चलाएंगे। ये होता है गरीब जिंदगी में, बाइक में और कार में फर्क। हाँ अभी SD कार्ड चेंज किया, ये वाला जो है पूरा भर गया था स्ट्रीम वाला, बार बार जो है हम दबा रहे बटन, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, काफ़ी डाटा जो है नहीं रिकॉर्ड हुआ करके। GoPro 9 के लिए हमने 2 SD कार्ड लिए थे, कभी भी यूज़ ही नहीं आया, आज जो है यूज़ आया। इधर जो है बेहतरीन धूप है, अब आगे जो है देखो बारिश मिल जाएगी भाई। बदल गया फिर से मौसम, अट्ठाईस किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा बाबा बैद्यनाथ जो है बहुत तेज जो है, आंखें मेरी झपक रही हैं। आगे तगड़ा पानी है तो हम लोग यहीं पे रुक गए। इधर यहीं पे ही है, यहीं पे ही है, इतनी दूर पर है बस। हाँ है, कहाँ आ जाए, अबे यार गीली हो जाएगी गाड़ी। चल 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 चल, हाँ भाई बड़ा सॉलिड जजमेंट था। यहाँ से कितना बचा है, 109 किलोमीटर बचा है, 109। मामा ने बिल्कुल सही अजम्पशन किया बिल्कुल, क्या बारिश यहाँ होगी, और रुकना हम लोग ने बहुत बेहतर समझा, लेकिन पूरी रोड भर गई। चप्पल पहन के आने का, हाँ यही फायदा है भाई। पानी तो अब बंद हो गया है, है? वो आगे पहाड़ दिख रहा है, हाँ वहाँ तक खींच ले चलो, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा वहाँ पे फिर लग रहा है, लग रहा है, वही कह रहा, दो चीजें हो गई, डाउट हो रहा है, या तो पानी है या तो वाष्प जम नहीं हो जा, जम जाती है वाष्प। हाँ हाँ पहाड़ों में वाष्प टाइप की जम जाती है पानी बरसने के बाद। अच्छा तो वो
लेकिन रोड पूरी गीली हो गई, अब जो है कोई भी बड़ी गाड़ी आएगी बगल से जो छींटे मारते हुए जाएगी। ले लो ले लो ले लो भाई, इधर पानी खूब भरा था यार रियल में। इसे अब इन लोग से बचना पड़ेगा। ये आ गया 10वां टोल हमारा, पानी भरा है। क्या करें, पीछे ले लो, पीछे लो। वहां चलते हैं उधर। किधर? चुंगी 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 पे। बहुत है भाई पानी, पानी फिर आ रहा है इधर। भगाओ जल्दी भगाओ, तेज हो गया। भाई साहब नेक्स्ट लेवल एडवेंचर है, अगर बरसता है तो अच्छा हुआ रुकना। वहीं से देख के अभी पानी आ गया, बहुत तगड़ा है उधर, बहुत फूसलादार बरस रहा है। लो अंकल, बर्तन वाले अंकल भी आ गए भाई। ऐसे लोग होते हैं दिलदार, अपनी करैया की जो है पन्नी दे दे रहे हैं, बस इसमें काम हो जाए। कैंची नहीं हो पाएगा, हो जा रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा, बच्ची रोक करो, खोलना पड़ेगा। हो गया काम, बहुत सेफ हो गया यार, 6 मिनट का मशक्कत। बारिश जो है बंद हो गई। अरे 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 अरे, देवघर तक हम लोगों को बारिश ना मिले भगवान। बैद्यनाथ, बैद्यनाथ धाम का है, नहीं बता पाएंगे? अरे बता तो रहा यार, चलो घुमाओ ना, यही तो ले रहा है, उधर से घुमा रहा चाहे इधर। ए क्या स्लोप मिली है मस्त, ये है शार्प लेफ्ट। और देखो अब यहाँ सूर्य भगवान जी का सीन हो गया, सबसे सही चीज है भाई। हम निकलेंगे तो सब रुकेंगे, बस यही। पन्नी लेकर के आ चुके हैं, अब जो है देवघर के लिए अब निकलते हैं। कहाँ से टर्न लेने को बोल रहा है ये देखो भाई। आवाम से अब यहाँ से जो है व्यू थोड़ा सा देखने को मिल रहा, रोड भी जो है गजब की मिल रही है। सिर्फ 100 किलोमीटर यहाँ से है बाबा बैद्यनाथ देवघर, 2 घंटे 35 मिनट में आप पहुँचेंगे। ऐसा लग रहा है केदारनाथ की चढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी बहुत कर्विंग भी वैसी ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, देखो एज इट इज। ये देखो अल्टीमेट, ये देखो चढ़ाई। थोड़ी बहुत चढ़ाई है, ऐसा नहीं है, नहीं है, ये देखो चढ़ाई आपको मिलेगी। और बहुत ही प्यारी रोड है, मज़ा आ गया। अभी जो हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो समोसे की दुकान दिख गए, तो समोसा लेंगे, 8 समोसे ले लिए मामा ने। क्या कह रहे हो? मूर्ति विसर्जन सुबह से नहीं किया, किया है तुमने? अभी नहीं, हमने भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ कर लो यार, ज्यादा सही, पानी इसी से हाथ धो लेंगे, इस बोतल को फेंके, कहाँ तक लोड लें। हाँ खरीद रहे ही हैं, सही बात है। या बंधना मिले थोड़ा सा, बंधना रस्सी काट के दो तो बांध ले बोतल पीछे वाली, अभी बंधना दिया तो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे देखो रास्ता कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, 85 किलोमीटर है।
तो फिलहाल ये हैं भाई हम लोग के समोसे, छोला ऐसा लग रहा है जन्मादिक समोसा खा रहे हैं। समोसा पहले भाई दिनेश वाले भैया देखते हैं ब्लॉग, ये देखो खाते हैं भाई इसको जल्दी से। अभी समोसा वगैरह खा के आगे बढ़ गए हैं, बिल्कुल केदारनाथ का फील आ रहा है। ये देखो भाई क्या कर्विंग है, वो भी ज्योतिर्लिंग में आती है। इतना बड़ा कर मतलब ठीक है। ओ भाई साहब चढ़ी कैसे गाड़ी, चढ़ जाए तो नीचे उतार रहा है, नीचे उतार रहा है। नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग कौन सी करूं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी व्लॉग फिर से कराना पड़ेगा, लास्ट व्लॉग में आप लोग ने देखा ही होगा देवघर सीधे, लेकिन यहाँ से मोड़ क्यों रहा, देवघर सीधे मोड़ रहा, सीधे दिखा रहा है इधर से देखो। पूछ ले क्या पूछो। क्यों भैया मंदिर जाना है, मंदिर वैजनाथ धाम। बोर्ड गलत होते हैं, नेविगेशन नहीं, नेविगेशन अपडेट होते रहता है। जो है फ्यूल अप हो चुका है 630 का। 6:30 बजे सुबह निकले थे अगले व्लॉग में, और अब जो है 6:30 बज रहा है। 12 घंटे में हम लोग जो है 450 किलोमीटर कवर नहीं कर पाए। हमारी प्रार्थना है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके जीवन में जो है खुशहाली आए, और जो है हमको जो है सपोर्ट करें वो लोग। इन्हीं सब वजह से जो है इतना लेट दिखा रहा था नेविगेशन, गांव से पता नहीं हो करके कहीं से ले जा रहा है। रोड भी बड़ी बेकार है, अरे 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 आराम से। और अभी का समय हो रहा है 6:43। ये रोड जो थी पूरी अंधेरे से भरी रोड थी, कम से कम 20 किलोमीटर तक। अभी ये क्या लोचा है, पहले इधर लाया फिर इधर ले जा रहा है, और ये ले पूरा अंधेरा रोड फिर मिल गया। जो है भाई कावर उठा के दर्शन करके आ रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ के नाम से जो है प्रसिद्ध नहीं है यहाँ, देवघर और बाबा मंदिर ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, देवघर के नाम से प्रसिद्ध है। 4.5 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर। इनसे सर ये बैजनाथ जाने का रास्ता है, इधर से बैजनाथ धाम सीधे। पहुँच चुके हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर, और जिसको जो है देवघर के नाम से जो है जाना जाता है। जब लोग मंदिर जाए थोड़ा लेट हो जाए दर्शन करके लौटने में फिर क्या होगा। तो ये है भाई पूरा रूम हम लोग ने ले लिया है, रूम जो है 500 रुपए का पड़ा। फिलहाल जो है भाई हम लोग दूध वगैरह ले करके आ चुके हैं, और ये है अपनी पतीली, पूरा जो है खाना दूध भी खाना भी सब लेके आ गए हैं। तो अभी तो हम जा रहे हैं दूध को जो है गर्म करके चाय बनाने। भाई हमारी चाय देखो कितनी अच्छे से जो है उबल रही है, बस जो है चाय बना दी मामा के लिए। हम लोग जो है 8:30 बजे आ गए थे, अब जो है 9:30 बज रहा है यहाँ पे। एक घंटा हम लोगों को ये सब खाना लाने में लगा, चाय बनाने में लगा, और अब जो है बैठ करके खा रहे हैं। तो 10:30 बज चुका है, और एक घंटे में खाना पीना जो है हो गया है, और हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज का जो है हम लोग पहुँच गए हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, और कल सुबह करेंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। जय बाबा की सभी को हरा।